आप देखो जो चाइनीज वाहन जैसे पतंग उड़ाते हैं ना, उन लोग की पतंग आप कैसे काट सकते हो, ये हम ऊपर से गए नीचे से आप पूरा अंदर की खींच के, ये देखो भाई वो पतंग काटी, लपेटते दिखाते। एक और पेज चलता भाई, यहाँ पे उसका भाई हीरो प्लस वाला मजा, ये मेरी पतंग ऊपर से, ये मैं गया अंदर करूँ दिखाया, कट गई यार। अब देखो ये सारा मटेरियल रहा, आज इसी से हम पतंगबाजी करेंगे, और मांझे देखो तीन तीन मांझे मैं लेकर आऊँ, जो भी मांझा मुझे अच्छा लगेगा उसी से हम उड़ाएंगे पतंग और काट के दिखाएंगे, और बाकी मैं पतंग आपको दिखा दूँ। तो ये सारी पतंगें रही जो आज की वीडियो में हम उड़ाएंगे। देखो अद्दी पौनी मंझोली सब पतंगें, जो पतंग मुझे पसंद आती वो मैं उड़ा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मंझोली है अद्दी पौनी है, सब उड़ती है। और मांझे मैं आपको दिखा दूँ, तो मांझे देखो हमारे पास तीनों वैरायटी है, ये है 123 का, ऑरेंज वाला है आपका रॉकेट वाला, और ये वाला है आपका 8400। तीनों वैरायटी के मांझे हैं, एक एक करके सबका टेस्टिंग करेंगे और सबको दिखाएंगे एंड में। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई ना, पतंग हम उड़ाने जा रहे थे लेकिन हवा यहाँ पे हो गई चेंज, तो हवा देखो कैसी चल रही है, मेरे सामने एकदम पेड़ है, लेकिन मुझे वीडियो भी आपको रोज ही देनी है, इसीलिए आज देखो 123 वाला मांझा मैं उड़ा रहा हूँ, जिससे ये हमारी ब्लैक वाली पतंग पार होकर जा रही है, और जो आपको सामने पतंग दिख रही है ना उड़ती हुई, ये हमारा दोस्त उड़ा रहा है, वो उड़ा रहा भाई 8400। तो देखते हैं 123 8400 को काट या नहीं। काफ़ी लोग के मन में डाउट रहता है ना कि 123 मांझा बहुत बेकार होता है, नहीं यार बहुत अच्छा मांझा होता है, आप चाइना हीरो प्लस मोनो गोल्ड सारे मांझों को काट सकते हो, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके पास ट्रिक होनी चाहिए काटने की। तो पतंग हमने पार कर ली, सामने देखो हवा कैसी है, लेकिन कोई नहीं पतंग लड़ेगी तब भी और काट के भी आपको दिखाएंगे, एक भी दिन ना वीडियो को मिस नहीं होने देंगे, रोज़ वीडियो लाएंगे आपके लिए। अब देखो हमारा पेच आ गया है, तो ऊपर से मैं पतंग लड़ाऊंगा और नीचे से हमारा अपोनेंट या फिर हमारा दोस्त, तो देखते हैं भाई 8400 काटेगा या फिर 123 काटेगा। ये गया मैं हाथ की तरफ उसके, अब देखो अगर मैं नीचे गद्दा मारता हूँ ना तो मेरी पतंग कट जाएगी, तो आपके साथ भी ऐसा सीन होता होगा काफ़ी बार, फिर गद्दा मारा फिर बचाया, फिर गद्दा मार के फिर पतंग बचा ली, देखो उसने जब जब मैं गद्दा मारता हूँ बार बार वो बंदा पतंग बचा ले रहा है, पतंग उठाई उसने खींच, मैंने अंदर का रुख दिखाया फिर उसने छोड़ दी। ओ भाई यहाँ पे अगर मैं बाहर की खींच देता ना पतंग काट देता, लेकिन सामने पेड़ आ गया उसके चक्कर में ये वाला ही पतंग मैंने खींची नहीं, लेकिन हमने उसकी मांझे में घाव दे दिया था। तो देखो 123 का मांझा कितना अच्छा होता है, अभी आप देखना उसके मांझे में रगड़ लग गई और रगड़ से उसकी पतंग यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे उसकी पतंग टूट जाएगी, ये टूट गई। तो भाई 123 की तो बात ही अलग है, आप किसी भी पतंग को काट सकते हो। अब इससे पहले वाला पेज है ना वो हमारे ही खाते में आएगा, क्योंकि हमने भाई पतंग काट दी उससे, पेज जब फिरा ना तो वहाँ पे घाव दे दिया था मेरे मांझे ने और फिर उसकी पतंग टूट गई। तो मेरी पतंग देखो सामने खड़ी, हवा बहुत बढ़िया चल रही है, और मेरे दोस्त ने देखो एक और अपनी पतंग पार कर दी ब्लैक वाली। तो अभी स्कोर जो चल रहा है वो चल रहा है 1-0, एक पतंग मैंने काट रखी उसकी, उसने एक भी नहीं। तो देखते हैं भाई वीडियो के एंड तक कौन ज़्यादा पतंग काटेगा, मैं या मेरा दोस्त, देखते रहना आप एंड तक, और मांझा तो देख ही लो आप। ऐसा मौसम है ना अगर बादलों वाला तो ब्लैक कलर लड़ाओ, सबसे बढ़िया लड़ेगा ये वाला कलर ब्लैक वाला। फिर से देखो मैं ऊपर का ही पेज लड़ाऊंगा और जो हमारा अपोनेंट है वो नीचे से आएगा। तो एक और पेज, पतंग मैं थोड़ी निकाल के लड़ा रहा हूँ, उसकी पतंग काफ़ी छोटी है, जितनी आप पतंग निकाल के लड़ाओगे आपके लिए फ़ायदा होगा। ये रखी मैंने, फिर डोर मिलाई, वो देखो कैसे पतंग चला रहा है, फिर डोर मिलाई, ये सीधी खींची मैंने अंदर का, जो दिखाया देखो वो काटी उसकी पतंग, पतंग तो काट दी थी और यहाँ पर मैं लपेट रहा था ना, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि मेरा जो मांझा था वो मेरे हाथ से ही टूट गया, इसीलिए मैं ज़्यादा डील ही नहीं ले पाया, पतंग यार निकल गई वाली, और निकलने के पीछे का जो मेन रीज़न उसका था ना निकलने का वो ये था, मैं भी आपको दिखा दूं, जो मांझा था ना वो मेरे हाथ से टूट गया एकदम, ये देखो मेरे हाथ में सिरा था, अगर मैं इसे छोड़ देता मेरी पतंग भी साथ ही साथ में चले जाती। कोई नहीं एक और पतंग पार करवाते हैं फिर काटेंगे, स्कोर हो गया 2-0। अब यहाँ पे देखो भाई अच्छी से अच्छी पतंग बन के तैयार हो रही है ताकि ये बंदा मेरी पतंग काट सके, लेकिन अभी इसने एक भी पतंग मेरी नहीं काटी, दो पतंग मैंने इसकी काट रखी है। और देखो यहाँ पे मैं दिखा दूँ
ये पतंग अगर मेरी पतंग कट जाती ना तो मैं ये वाली पतंग उड़ाऊंगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं, हम काट देंगे। हमें भरोसा अपने आप पे, आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे कमेंट कर देना अभी तक। अब देखो ये पार हो रही है पट्टेदार वाली, और अपनी पतंग देखो हवा में एकदम स्टेबल खड़ी है। और मैंने वीडियो बना दी कि आप कन्नन कैसे बांध सकते हो जिससे आपकी पतंग एकदम स्टेबल रहे। ये देखो आप इस तरीके से। हम तो भाई अपने अंदाजे से बांध लेते हैं क्योंकि हमें तो पता है कैसे बांधने। अगर आपको नहीं पता तो जो मैंने ट्रिक बताई थी वाली ट्रिक का यूज करके आप कन्ने बांध सकते हैं आराम से। अब चलो भाई पट्टेदार वाली पतंग पार हो गई है, हमारी फिर से ऊपर से रही, देखते हैं अब क्या काट पाता है नहीं काट पाता हमारी पतंग। एकदम क्लियर वीडियो आ रही होगी भाई, इसीलिए लाइक कर दो। ये मैं गया फिर डो छोड़ी भाई, मज़ा बहुत आता है पेड़ उड़ाने में छोटे वाले। फिर नीचे रखी पतंग मैंने, अंदर रख दिया, झटके मारे नहीं, पेजी नहीं लड़ पाया। अब मैं सोचता हूँ ना थोड़ा कलाकारी वाला पेड़ लड़ा दूँ, खींच के तो मैं काट ही देता हूँ। फिर रखा रखा जोर जोर से फिर से झटके मारे, अभी भी देखो डोर नहीं मिली, अगर डोर मिल जाती। फिर रखा भाई, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे झटके मार के इसकी पतंग काट दूँ, और देखो कट गई अपनी। मैं ना बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, डोरी नहीं मिल रही थी, मैंने गद्दा मारा और अंदर की पतंग मेरी गिरी, यहाँ पे पेज हमारा कट गया। अब देखो जो पतंग इसने मेरी जिससे पतंग काटी थी ना वही पतंग अपनी लंबी कर लिए, तो रेड साइकिल ने हमारी पतंग थी, हम ऊपर चढ़ा रहे हैं और नीचे से एक बंदा उड़ा रहा सामने से, तो उसी से हम पेज लड़ा रहे हैं। और पतंग देखो इसने कितनी अच्छी छोड़ी है, इसी मारे तो मेरी पतंग कट गई यार, पूरी पतंग इसकी राउंड है। अब बेचारा जो बंदा उड़ा रहा सामने से वो जैसे ही खींचेगा इसकी पतंग एंड में घूम जाएगी और पेज ये काट देगा, देखना। वो भी एकदम चला के, वो भी नहीं खींच रहा भाई, मार दे खींच, कब मारेगा, पूरी खड़ी करके दे रखी उसने भाई, कोई भी नहीं खींचा, इसने खींची, उसने भी खींची और अपनी पतंग कटी भाई, कट गई थी उसकी भी, गई लो दोनों की पतंग एक साथ चले गई। तो फाइनली भाई हवा सीधी आ चुकी है जिसका हमें इंतजार था, तो मैंने अपनी पतंग यहाँ पे पार्क कर लिए। लंबे पेज लड़ने हमारे अच्छे वाले, तो रेड सर्किल में मेरी पतंग है, नीचे से ऊपर से अपोनेंट है ब्लू सर्किल अंदर, ये बंदा लेफ्ट हैंड साइड से वो हाथ की तरफ लाया, पतंग खड़ी करके दी मैंने। जो पतंग चलाना होता है ना, अगर आपको वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि पतंग कैसे चलाते हैं तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। कितना मज़ा आता ना एकदम पतंग खड़ी करके दो, फिर खड़ी करके दी, उसने रखा, मैंने बस डोरों पे रखा, वो कटा। अब अपोनेंट से गलती क्या हुई ना, उसने अंदर का रुख रख दिया, बस मैंने वहीं पर ही पतंग रोक ली, चक्कर डाले और बहुत आराम से वाला पेच काटा है। लाइक करो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।